लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। आजाद भारत की पहली बार आदिवासी समुदाय की महिला राष्ट्रपति बनने पर पश्चिमी चंपारण जिला के आदिवासियों में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने को लेकर काफी उत्साह है। आदिवासी बहुल इलाकों में ग्रामीण रंग गुलाल लगाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं। इस जीत को त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस समुदाय के लोग आज शाम अपने पारंपरिक लोक नृत्य जमटा व झूमर गा कर जश्न। इनका कहना है आगामी विश्व आदिवासी दिवस एक आदिवासी महिला के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने की खुशी में मनाया जाएगा। देश में पहली बार एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने पर जिला के आदिवासियों में जश्न का माहौल है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सीमाई क्षेत्रों में बसे लाखों आदिवासी द्रौपदी मुर्मू के सर्वोच्च पद पर आसीन होने की खुशी में पारंपरिक लोक नृत्य व लोक के झूमर एवं झमटा गाते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। बता दें कि इन आदिवासी बहुल गाँव में बिल्कुल त्योहार जैसा नजारा है। बिहार आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र उराव का कहना है पहली मर्तबा आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति खासकर एक महिला को राष्ट्रपति बनाया जाना अपने आप में गौरव की बात है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी बीजेपी के पदाधिकारी एवं अन्य पार्टियों के जनप्रतिनिधि जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट कास्ट किया सबको आदिवासी समाज की तरफ से धन्यवाद है। सुरेंद्र राव ने बताया कि आगामी 9 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए समर्पित रहेगा और इस उपलक्ष्य में बड़ा आयोजन भी होगा। आदिवासी समाज के लोग जश्न मनाएंगे। रेतिया से चंदन चौबे। नहीं नहीं, ये 9 अगस्त हमारा विश्व आदिवासी दिवस होता है। हम सभी आदिवासी बिहार आदिवासी विकास परिषद यह घोषणा कर दिया है कि इस बार हम लोग द्रौपदी मुर्मू के चुने जाने के उपलक्ष्य में ही विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। प्रत्येक जिला में यह मनाया जाएगा। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संवैधानिक मुखिया अर्थात राष्ट्रपति हम लोग के समाज की द्रौपदी मुर्मू चुनी गई हैं। इसके लिए पूरे भारत वर्ष में आदिवासियों के बीच में एक होली जैसा जश्न है। हम लोग सभी यहाँ चंपारण में सारे आदिवासी एकत्रित हुए हैं और हम लोग इस जीत के उपलक्ष्य में हम लोग सारी खुशियां मना रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना चाहते हैं और हमारे आदिवासी समाज से एक महिला को सबसे उच्च स्थान पर बैठाकर वो भी महामहिम के रूप में बैठाकर हमको बहुत खुशी का बहुत अच्छा लग रहा है।